शामली में एक किसान ने कई महीने पहले चोरी हुए भैंसे का डीएनए टेस्ट कराने की मांग की। मामला झुंझाना थाना क्षेत्र के अहमदगढ़ गांव का है, जहां किसान चंद्रपाल का भैंसा अगस्त 2020 में चोरी हो गया था। किसान का आरोप है कि पुलिस ने उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की और भैंसा बरामद करने में कोई रुचि नहीं दिखाई। इसके बाद किसान ने खुद से भैंस की तलाश शुरू की तो उसका भैंसा सहारनपुर जिले के बीनपुर गांव में एक किसान के घर पर बंधा हुआ मिला। लेकिन जिस किसान के यहां पर ये बंधा हुआ था वो पुलिस को शपथ पत्र देकर भैंसे को अपना बता रहा है, जिसके बाद परेशान होकर किसान ने भैंसे का डीएनए टेस्ट कराने की मांग की। मेरा भैंसा 25 अगस्त 2020 में चोरी हुआ था, जो बीन पर है और कुछ लोगों के कहने मात्र पुलिस वहाँ छोड़ गई, इसलिए डीएनए टेस्ट चाहता हूँ। कब चोरी हुआ था आपका? 25 अगस्त 2020। तो ये पुष्टि कैसे हुई आपको कि आपका भैंसा वहाँ पर है? बहुत मेहनत करने के बाद, ढूंढने के बाद जो पशु हमारे पास है उसकी पहचान हमें है। कितने टाइम तक आपके पास रहा आपका भैंसा? लगभग चार साल। अच्छा, जो आपने डीएनए टेस्ट की मांग की है किसके आधार पे की है? ऐसा कौन सा पशु आपके पास है? उसकी माँ हमारे पास है, वैसे की माँ हमारे पास है, उसी के आधार पे आपने टेस्ट की बात जी की सर। क्या कहा है पुलिस ने? पुलिस तो ये कहते हैं कि यहाँ वैसे चोरी नहीं हुआ। आपने अभी तक कहाँ कहाँ शिकायतें की है अपने वैसे की चोरी को लेकर? छोटे अफसर से लेकर बड़े अफसर तक की है, कोई सुनवाई नहीं हुई। किस तरह का जवाब मिला है आपको? बस ये जवाब मिला कि इसका तो वैसा भी चोरी नहीं हुआ, हमको झूठा साबित करने में लगे हुए हैं। झूठे साबित करने में पुलिस ने आपके ऊपर क्या आरोप लगाया है? ये आरोप लगा कि इसका तो वैसा ही चोरी नहीं हुआ, ये वैसा तो उसी की भैंस का है। अच्छा, वहाँ के ग्राम प्रधान का भी लेटर मिला है जो आपके ऊपर ये बताया गया है कि भाई भैंसा उसका नहीं है, उसमें क्या कहना है आपका? जी, अगर कोई चोरी करके आ जाएगा ग्राम प्रधान के लिखने से, क्या वो सच हो जाएगा? अब आपकी क्या मांगे हैं आगे? बस मेरा भैंसा दिलवा दिया जाए। किसान चंद्रपाल का दावा है कि चोरी हुए भैंसे की माँ उसके घर पर ही मौजूद है, इसी के आधार पर पुलिस माँ और बेटे का डीएनए टेस्ट कर उसके दावों को पुष्ट कर सकती है। फिलहाल चंद्रपाल ने पुलिस से भैंसे का डीएनए टेस्ट कराने की मांग की और इसके बाद आम लोगों के साथ साथ पुलिस के अधिकारी भी हैरान है। अब देखना ये होगा कि किसान चंद्रपाल की मांग पर पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए शामली से सचिन शर्मा की रिपोर्ट।